दोस्तों, अगर आपके पास भी जो है Redmi का मोबाइल है और आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर जो है बार बार एड्स आते हैं और आप लोग इन एड्स से जो है परेशान हो चुके हो, लेकिन अभी तक आपके मोबाइल में जो है एड्स आना बंद नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एड्स जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिनके बारे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इन सेटिंग को अगर आप लोग अपने मोबाइल में कर लोगे तो मैं आपको जो है गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके मोबाइल में जो एड्स आते हैं वो एड्स आना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों के जो है उन सेटिंग को करने के बाद भी बंद नहीं हो रहे हैं, उनके मोबाइल में फिर भी ऐड आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मोबाइल में जो है कोई भी ऐड नहीं आएगा, ये मैं आपको जो है गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो बस आपको जो मैं आपको जो जो सेटिंग बताऊं वो आपको अपने मोबाइल में कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं उन सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले सेटिंग आपको जो है क्रोम ब्राउजर में करनी है, तो आपको जो है मैं आपको कुछ अलग से तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने इन सेटिंग को कर रखा है तो उसके बाद भी दोस्तों आपको लास्ट में कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिनसे आपके मोबाइल में जो है डेफिनेटली एड्स बंद हो जाएंगे। तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों राइट साइड में थ्री लाइन दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिख रहा है सेटिंग का ऑप्शन, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना, जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा साइट सेटिंग्स, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ऊपर ऊपर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कुकीज़ का, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके मोबाइल में ये वाला सेटिंग ऑफ होगा ब्लॉक थर्ड पार्टीज कुकीज़, तो आपको जो इसको ऑन कर देना है, मतलब आपको जो है थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पॉप अप एंड रीडायरेक्ट्स, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। और आपके मोबाइल में जो है ये वाला सेटिंग ऑन हुआ होगा, अगर ऑफ है तो अच्छी बात है, तो ये वाला सेटिंग्स को पॉप अप एंड रीडायरेक्ट्स को, उसके बाद बैक आना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर एड्स का ऑप्शन, तो दोस्तों आपको एड्स पर आपको क्लिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और आपके मोबाइल में ये वाला सेटिंग ऑन हुआ होगा तो आपको जो है इसको ऑफ रखना है, एड्स वाले सेटिंग को। काफ़ी लोग बताते हैं इसको ऑन रखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसको ऑफ रखना है। ऑफ रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बैक आना है वापस से। जैसे आप लोग बैक आओगे तो आपको फिर से जो है थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है, और आपको दिखाई देगा यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला बेसिक का, दूसरा एडवांस का। तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, एडवांस पर आपको क्लिक करना है। और देन आपको यहाँ पर ऑल टाइम दिख रहा है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा लास्ट आवर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है ऑल टाइम सेलेक्ट करके और आपको जो है इसका डाटा यहाँ पर जो है क्लियर डाटा कर देना है क्रोम ब्राउजर का। इसको करने के बाद दोस्तों आपके जो क्रोम ब्राउजर में जितने भी एड आते हैं या फिर क्रोम ब्राउजर से आपके मोबाइल में एड्स आते हैं वो एड्स आने एकदम से जो है बंद हो जाएंगे, बिल्कुल ऐड नहीं आएंगे ये सेटिंग करने के बाद। तो सबसे पहले सेटिंग दोस्तों आपको ये करनी है आपके मोबाइल में, और आपको डाटा जरूर से जो है क्लियर करना है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पहली सेटिंग, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग की जो कि सेकंड सेटिंग है। तो आपको जो है उसके लिए क्या करना है, आपको आपके मोबाइल की जो सेटिंग है दोस्तों उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा नीचे आना, जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप्स का या फिर ऐप मैनेजमेंट का, तो आपको जो है ऐप्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज ऐप्स का या फिर ऐप लिस्ट का, तो आपको मैनेज ऐप पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे दोस्तों वो सारे यहाँ पर ओपन रहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सारे ऐप्स आ चुके हैं, तो इस तरह से आपके भी यहाँ पर जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक सेटिंग जो है एक ऐप में करके दिखा रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको आपके मोबाइल में जितने भी ऐप हैं उन सभी ऐप्स में जो है ये वाली सेटिंग करनी है। जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बाइनेंस, ये जो है एक ऐप है, इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बाइनेंस में। तो आपको जो क्या करना है, उस ऐप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऐप परमिशन या फिर अदर परमिशन का ऑप्शन, तो आपको अदर परमिशन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है मैं आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ वो आपको करनी है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों एक सेटिंग दिखाई देगी, यहाँ पर डिस्प्ले पॉप अप विंडो वाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड, या फिर आपको दिखाई देगा यहाँ पर डिस्प्ले ओवर द ऐप परमिशन में आप लोग जैसे जाओगे, तो आपको दोस्तों इसको ऑफ करना है, आपको ये वाला सेटिंग आपको जो है ऑफ कर देना है आपको। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, तो आपको जो है इसी प्रकार से जो है इन सभी ऐप्स में ये वाला सेटिंग करना है, डिस्प्ले ओवर द ऐप्स आपको दिखाई देगा परमिशन में आप लोग जैसे जाओगे, और आपको उस सेटिंग को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों ये तो थी हमारी दूसरी सेटिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाली सेटिंग दोस्तों सभी ऐप्स में करनी है, मैं आपको जो है बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर गूगल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एड्स का, तो आपको सिंपली से एड्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी और डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, तो आपको जो है डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पर आपको क्लिक करना है, और आपको एडवर्टाइजिंग आईडी आपको यहाँ पर जो है डिलीट कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दिख रहा है मैनेज और गूगल अकाउंट का ऑप्शन, आपको क्लिक करना है। और अगर आपने सेटिंग ऑलरेडी कर रखी है उसके बाद भी ऐड बंद नहीं हो रहा तो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन डाटा एंड प्राइवेसी का, तो आपको सिंपली से डाटा एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना, जैसे आप लोग नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनलाइज्ड एड्स का। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया है माई एड सेंटर, ये वाला सेटिंग आपके मोबाइल में ऑन होगा एड्स वाला, तो आपको सिंपली से उसको कर देना है ऑफ। तो उसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, तो आपको ये वाले सेटिंग कर लेना है। ये हो गए तीन चार सेटिंग मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों अगर आप लोग इतना सेटिंग कर लोगे तो आपके मोबाइल में जो है एड्स आना बंद हो जाएंगे, ये मैं आपको जो है गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपके मोबाइल में इसके इन सभी सेटिंग को करने के बाद भी ऐड आ रहे हैं तो मैं आपको जो लास्ट सेटिंग बताने वाला हूँ उसको करने के बाद आपके मोबाइल में जो है डेफिनेटली एड्स नहीं आएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। उसके बाद तो आपके मोबाइल में जो है ऐड आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सेटिंग ही कुछ ऐसी है। तो कौन सी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, तो दोस्तों वो सेटिंग क्या है कि आपको आपके मोबाइल को एक बार रीसेट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको रीसेट करना ही पड़ेगा अगर आप लोग जो है परमानेंटली ऐड को क्लोज करना चाहते हो। अगर आपके मोबाइल में जो है पहले ऐड नहीं आते थे लेकिन अब आने लगे हैं, तो आपको एक बार अपने मोबाइल को रीसेट करना ही पड़ेगा। हालांकि मुझे पता है कि इस मोबाइल को रीसेट करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हमारे मोबाइल में इतना सारा डेटा होता है तो उसको कैसे रीसेट करें, लेकिन आपको किसी ना किसी मतलब तरीके से आपको करना ही पड़ेगा रीसेट, तो तभी आपके मोबाइल में जो है एड्स बंद होंगे। आप लोग अपने डेटा को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करके उसके बाद रीसेट कर लेना, जब भी आपके मोबाइल में जो है एड्स बंद होंगे। तो दोस्तों यही था लास्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इसके बाद कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। मैंने आपको जो जो सेटिंग बताई वो आपको कर लेनी है, अगर उससे वो जो है एड्स बंद हो जाते हैं तब तो ठीक है, वरना मैंने आपको जो लास्ट सॉल्यूशन बताया रीसेट का, तो आपको रीसेट करना ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।